सोनाली फोगाट की मौत हुए करीब 15 दिन का वक्त बीत चुका है और परिवार अभी भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पीएमओ को और मुख्यमंत्री को टैग किया है यशोधरा ने। सोनाली की बेटी है, 15 वर्षीय है और इन्होंने मांग की है कि उनको न्याय दिलवाया जाए, जस्टिस फॉर सोनाली का इन्होंने एक हैशटैग ट्रेंड भी चलाने की कोशिश की है। इन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से अब ये उम्मीदें लगाकर बैठी हैं कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में इंटरवीन करें और उनको न्याय दिलवाएं। यशोधरा, आपने ट्वीट भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, आपने लिखा कि इस मामले में जांच करवाएं, आपको क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से? उम्मीद है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। उम्मीद है और क्यों आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आपकी मदद कर सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं आपकी सुन रहे हैं या मुख्यमंत्री भी मदद कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने बोला तो है कि मदद करेंगे लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। गोवा पुलिस की जांच से सेटिस्फाई है आप? नहीं है। तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, अगर सीबीआई को नहीं सौंपा जाता केस तो क्या आप लोग आगे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी सोच रहे हैं? हाँ। आपकी पढ़ाई पर कितना बर्डन पड़ रहा है इस चीज को लेकर? पड़ रहा है बर्डन लेकिन अभी ये ज्यादा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं, कल आप लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे क्या कुछ मांग करेंगे आप, क्योंकि वो दिल्ली में ही हैं और मुख्यमंत्री हैं? उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सीबीआई जांच करवाएं, वो गोवा पुलिस से ये केस ट्रांसफर करा दें सीबीआई को। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल आपकी मदद कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री को लिखें या वो राष्ट्रपति से मिलें, किसी से मांग करें? दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो इस तरह से आपकी मदद कर सकें, लेकिन सपोर्ट मिलता है आपको अगर लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो? सपोर्ट मिलता है, माना कि उनके पास पावर नहीं है क्योंकि दूसरे स्टेट के सीएम है, लेकिन वो रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं हमारे सीएम से, गोवा के सीएम से, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर से भी। और आपको किसी तरह का थ्रेट भी महसूस होता है, क्योंकि अभी हरियाणा की जो वुमेन कमीशन है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है डीजीपी को कि आपको और आपके परिवार को, खासतौर पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको सुरक्षा की जरूरत है? हाँ, मेरे फैमिली मेंबर जिन्होंने बयान दिया उन्हें भी सिक्योरिटी की जरूरत है और मेरे को भी जरूरत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और आप मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? आप लगातार आप बोल रहे हैं, करीब 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, अब आपकी क्या डिमांड है और क्या चाहते हैं आप? मनोहर लाल मुख्यमंत्री किस तरह से आपकी मदद करें? उन्होंने बोला था कि हमें लिख के दें कि फैमिली को चाहिए सीबीआई का, तो हमने लिख के दिया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और गोवा पुलिस कभी इधर आ रही है, कभी गुड़गांव जा रही है, कुछ हो नहीं रहा, अक्यूज्ड कुछ बता नहीं रहे। उन्होंने खुद बोला है कि हाँ हमने मारा है, लेकिन आज कोर्ट में उन्होंने बोला कि हम निर्दोष है, तो पुलिस के पास वो है इतने दिन, तो पुलिस उनसे ये नहीं बुलवा पा रही कि क्यों मारा, तो गोवा पुलिस कर क्या रही है, उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। पूरी फैमिली का सपोर्ट है आपके साथ और भी बहुत लोग खड़े हैं, आप कहीं अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं कि इस लड़ाई को आप लड़ पाएंगे अच्छे से? स्ट्रांग तो मैं शुरू से ही महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली है। तो यशोधरा को सुन रहे थे आप कि किस प्रकार से वो उसको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में उनकी मदद करेंगे। सुरक्षा के लिए भी जिस प्रकार से महिला आयोग ने चिट्ठी लिखी है, सिफारिश की है डीजीपी को, हरियाणा को, कि उनको सुरक्षा दी जाए, तो ये भी चाहती हैं कि परिवार के लोगों को बेशक अभी थ्रेट महसूस नहीं होता लेकिन अगर सुरक्षा दी जाती है तो ये लोग और निडर होकर के अपनी मां की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई, उसको और निडरता से और आगे बढ़ करके लड़ सकती हैं। लेकिन इंसाफ की जो उम्मीद यशोधरा लगाकर बैठी है, ये देखना होगा कि कब यशोधरा को इंसाफ मिलता है। बेशक ये लड़ाई लंबी होती जा रही है, 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, हाथ खाली है, लेकिन उम्मीद है कि इस पूरी लड़ाई को अंजाम तक यशोधरा जरूर पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के सीटीवी हिसार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।